नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बांग्लादेशी नागरिक प्रकरण समेत कई मामलों में जिला कारागार महाराजगंज के में ही बताया जा रहा है कि निर्दुद्ध कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बैक पेन की समस्या का आज जिला अस्पताल लाया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां चिकित्सकों की सलाह पर ही अल्ट्रासाउंड कराया गया है, जिसमें जांच के दौरान दोनों गुर्दों में पथरी की शिकायत मिली है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दवाई और इसके साथ ही आवश्यक सलाह भी दी है। दरअसल कानपुर के ही सपा विधायक इरफान सोलंकी को पिछले दिनों कानपुर से महाराजगंज जिला कारागार में स्थानांतरित किया गया था और जिला कारागार में इसको लेकर बताया जा रहा है कि कमर और रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत थी, जिस पर पूर्व में ही दो बार जिला कारागार में ही इनके स्वास्थ्य की जांच कराई गई थी और इधर पिछली पेशी पर कानपुर जाने के दौरान उनके अधिवक्ता में बेहतर इलाज न मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जिला कारागार से भारी पुलिस फोर्स के बीच ही सपा विधायक इरफान सोलंकी को जिला अस्पताल लाया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी को जिला जेल से यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया था। उनके पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें दोनों गुर्दे में पथरियाँ पाई गईं और कमर दर्द उन्होंने बताया था, जिसके लिए डॉक्टरों ने उसको देखा, जांच किया और दवाएं लिख दिया। तो अभी फिर चले गए वो पुनः वापस चले। सिर्फ उन्हें गुर्दे की दिक्कत थी और भी कोई दिक्कत थी? कमर दर्द और गुर्दे की दिक्कत थी। अब खबर उन्नाव से है, जहां अराजक तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की अंगुली तोड़ने का मामला ये सामने आया है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं ये पूरा मामला आपको बता दें कि सोहरा माऊ थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव का बताया जा रहा है। बता दें आपको कि पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है और ये भी जानकारी आपको दे दें कि इसको लेकर लगातार भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति तोड़ी गई, जिसके विरोध में लोग भी नजर आ रहे हैं। बता दें आपको अराजक तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की अंगुली तोड़ने का ये मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने फिलहाल बता दें कि पुलिस को इस मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। आगरा में बांग्लादेश पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है और पुलिस अब संदिग्ध बस्तियों की जांच करा रही है, साथ ही तमाम झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों की जांच पड़ताल करवाई गई है। बता दें आपको कि हाल ही में आगरा से 28 बांग्लादेशी पकड़े गए थे और इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा था। और यह भी जानकारी सामने आई है कि आगरा में बांग्लादेश पर पुलिस का यह एक्शन नजर आ रहा है। पुलिस अब संदिग्ध बस्तियों की जांच भी कर रही है और साथ ही तमाम झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों की जांच पड़ताल भी अब कराई जा रही है। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां और हैं जहाँ पे लोग बांग्लादेशी होने की संभावना हो सकती है। उसी क्रम में हमने लोगों को बुलाया और उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने उनके आधार कार्ड लिए और रजिस्टर मेंटेन हुए हैं, जिसमें उनका प्रॉपर एड्रेस है जहाँ की वो रहने वाले हैं अब और कौन इनका मुखिया है, इनके फोन नंबर्स। बाकी इनके मुखिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है, कोई नया मेंबर आता है तो हमें इन्फॉर्म करेंगे और इनके मुखिया से बातचीत करके इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहाँ के रहने वाले हैं वो मंगाए जा रहे हैं, ताकि आसानी से तफ्तीश हो सके और कोई भी बांग्लादेशी आउटर जो है यहाँ पे ना रहे। देखिए, उसके लिए बेटर तरीका है कि जहाँ के पैरेंटल निवासी अपने आप को बता रहे हैं वहाँ के हम इनके डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं, ताकि आसानी से चीजें तस्दीक हो पाए और कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। चले रुक करते अगली खबर की ओर। आगरा थाना सिकंदरा पुलिस ने 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो आगरा में अवैध रूप से आश्रय स्थल बनाकर रह रहे थे। वहीं पुलिस ने 32 लोगों में से 28 बांग्लादेशियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और इसी को लेकर पुलिस लाइन में आयुक्त कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और जमकर इस दौरान नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा है कि आगरा में तमाम जगह बांग्लादेशी आश्रय स्थल बनाकर रह रहे हैं और बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट आसानी से बन जाते हैं और ये तमाम बातें ज्ञापन के जरिए आगरा कमिश्नर तक पहुंचाई गई हैं और आगरा कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक बड़ा अभियान चलाकर सबकी जांच की जाएगी।
देखिए आगरा शहर के आगरा जिला जो है वो कहीं ना कहीं अति संवेदनशील जिला है पूरे देश भर के अंदर। यहाँ सैन्य देश की सबसे बड़ी सैन्य छावनी भी है और यहाँ विदेशी पर्यटक भी बड़े स्तर पर आते हैं आगरा के अंदर। और उस आगरा से आगरा जिले के अंदर कहीं ना कहीं इतने बड़े तादाद में बांग्लादेशियों का अवैध रूप से इस जिले के अंदर रहना, वो भी पूरे के पूरे उनकी लोकल आइडेंटिटी के साथ, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, सब कुछ सारी चीजें उपलब्ध है उनके पास। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने पुलिस आयुक्त महोदय को यह ज्ञापन दिया है कि जितने भी हमने कुछ एरिया चिन्हित करके दिए हुए हैं, छावनी हुआ, रोहता नहर के पास भी लोग झुग्गी झोपड़ी के रूप में बनाकर रह रहे हैं, पूरे बिनने का काम कर रहे हैं, सारे काम ये लोग कर रहे हैं, ये सारे एरिया हमने इनको चिन्हित करके दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से ये सारे चिन्हित एरियों पर पुलिस जो है अपने स्तर से जांच करे और जितने भी अवैध बांग्लादेशी हों उन सबको डिपोर्ट करके उनके देश पर उनको देश भेज दिया जाए। कमिश्नर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो आवश्यक जितने भी हमने चिन्हित एरिया उनको लिख कर दिए उन सभी पर आवश्यक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से शुरू करेंगे। आज ज्ञापन दिया है, ये विषय है कि बांग्लादेशी, कुछ बांग्लादेशी आगरा शहर में जगह जगह अपने एरिया बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों को लाते जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनके पास जब लोग हम लोग पहुंचते हैं तो उनके पास उनके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसलिए ज्ञापन दिया कि अवैध रूप से ये मस्जिदों के पास, मजारों के पास जगह घेर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। ये लोग हैं कौन, इनकी तादाद इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? और पुलिस आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये सारी चीजें चेक कराएंगे और हम आप लोगों के माध्यम से निवेदन करते हैं पुलिस से कि आप लोग चेक करा लीजिए, नहीं तो बजरंग दल स्वयं चेक करने का काम करेगा। ये बांग्लादेशी लोग हैं, यहाँ तक ये लोग कूड़ा बेचते हैं, इनकी भाषा से, इनकी लैंग्वेज से, इनके रहने खाने पीने से पता पड़ता है कि ये बांग्लादेश के लोग हैं। ये कबाड़ का काम करते हैं, पन्नी बीनने का काम करते हैं और चोरी भी करते हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। वहीं संबल में थम नहीं रहा है अवैध खनन का कारोबार। दरअसल प्रशासन की नाक तले ये जमकर अवैध खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि खनन को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अवैध खनन लगातार जारी है। बताते चले आपको, संबल से खबर है जहाँ पर अवैध खनन का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है, लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर कोई एक्शन भी लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिद्धार्थनगर जिले का स्वास्थ्य विभाग अपने चहेते अस्पताल संचालकों पर मेहरबान नजर आ रहा है। डुमरियागंज के जीवन हॉस्पिटल में मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर FIR दर्ज हुई है और बीते दिनों डिप्टी CMO BN चतुर्वेदी ने कई हॉस्पिटल पर जांच की थी और लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर FIR दर्ज होने के बाद सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। IB के इनपुट पर आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 14 में पकड़े गए बांग्लादेशी हालिम ने ठिकाना तो आगरा में बनाया था, लेकिन काम अपने लोगों के लिए कर रहा था। घुसपैठ से मिलने वाली रकम को पश्चिम बंगाल के एजेंट के माध्यम से अपने देश भेजता था। वहीं पुलिस को हालिम के खाते और ऑनलाइन लेन देन की जानकारी मिली है। नवम्बर और दिसंबर 2022 में ही उसने डेढ़ लाख रुपए भेजे थे और इससे पहले वो कभी 50,000 तो कभी 1,00,000 रुपए हर महीने भेज चुका है। ये रकम हवाला से ही पहुंचती थी और इसके साथ ही बता दें कि बांग्लादेश के जिला बरोरहट में मौजूद थाना मोरलगंज निवासी हालिम 15 साल पहले भारत आया था और IB की सूचना पर थाना सिकंदरा पुलिस ने उसे 4 फरवरी की रात को गिरफ्तार किया था। वो कैलाश मोड़ पर किराए के मकान में रहता था और सेक्टर 14 में ही बांग्लादेशियों ने बस्ती बना रखी थी और वो बस्ती में रहने वाले अपने देश के लोगों से मिलने आता था। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस के द्वारा व्यापक तौर पर अभियान चलाया जा रहा है कि बांग्लादेशी हैं, इस पे कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई। 28 लोग गिरफ्तार हुए थे, 4 बच्चे भी थे जिनको बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। इस पे 2 लोग की संदिग्ध भूमिका सामने आई थी, हलीम और रहीमा। हलीम जो है उसके बारे में जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये था कि हलीम जो है बाहर से लोगों को बुलाता था और रहीमा जो है उनके यहाँ पे लोकल में डॉक्यूमेंट्स बनाने में सहायक करती थी और कुछ ठेकेदार थे जो लोकल में उनको जॉब दिलवाते थे और कबाड़ वगैरह बिनने का काम भी चलता था। इसके बाद अभी इस पे जांच चल रही है, जगह जगह हम बस्तियों में सत्यापन करा रहे हैं। अभी प्रथम चरण में हमने हरिपर्वत में तकरीबन 10 बस्तियों का सत्यापन कराया है
इनमें अभी तो कोई ऐसा बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन जो भी है उनको डॉक्यूमेंट्स हमने प्रॉपर अपने पास रख लिए हैं, उनका आधार कार्ड रख लिया है, कहाँ के रहने वाले हैं फोन नंबर रख लिया गया है, और उसमें कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है कि जो लोग हैं, जो मुखिया होगा वो लगातार हमें सूचना देगा अगर कोई बाहर से बस्ती से आता है, ताकि प्रॉपर उनकी वेरिफिकेशन हो सके और कोई भी ऐसी खराब घटना न घटित हो। मथुरा ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है, वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अपर यात्रियों के साथ बदसलूकी का आरोप लग रहा है। दरअसल मथुरा आई यात्रियों ने थाना हाईवे NH2 के सामने बस को रोककर जाम लगाने का प्रयास किया है। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था जो है फेल होती हुई नजर आ रही है। बताते चले आपको कि लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यात्रियों ने थाना हाईवे जाम कर दिया, और बताते चले कि मथुरा ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था फेल होती चली गई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अपर यात्रियों के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा है, और मथुरा आए यात्रियों ने थाना हाईवे NH2 के सामने बस को रोककर जाम लगाने का भी प्रयास किया है। हरदोई में समाजवादी पार्टी के द्वारा जातीय जनगणना संगोष्ठी का आयोजन किया गया, और इस दौरान ही सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिनका काफी भव्य के साथ ही स्वागत किया गया है। तो हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें आपको कि भव्य स्वागत किया गया है। बताते चले कि हरदोई में समाजवादी पार्टी के द्वारा जातीय जनगणना संगोष्ठी का आयोजन किया गया, और इस दौरान ही सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। यूपी के पीलीभीत जनपद में शादी समारोह में मामूली कहासुनी होने पर ईंट पत्थर चलने से खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल कराकर पीड़ित की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा इलाके के अमन वेकेंड हॉल का बताया जा रहा है। कस्बे का रहने वाला सोनू अपने रिश्तेदार ही बेटे की शादी समारोह में अपने दोस्त जीवेंद्र राठौर और टिंकू उर्फ आदेश को अपने साथ लेकर गया था, और बारात में आए हुए कुछ लोगों से सोनू की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। आरोप है कि ओम प्रकाश कंधई लाल और भगवत शरण सोनू से ही मारपीट करने लगे, और वहीं जीवेंद्र के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल बोर्ड परीक्षा का सेंटर देखने जा रहे हाई स्कूल के छात्र की मौत हो गई है, और तेज रफ्तार DCM ने बाइक सवार छात्र को रौंद दिया, और इस दौरान छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मचा है, और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो संभल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें आपको कि जिसको लेकर बताया जा रहा हाई स्कूल के छात्र की मौत भी हो गई है, ये जानकारी सामने आई है। तेज रफ्तार के कारण छात्र की मौत हुई है, और संभल से ये खबर है, बोर्ड परीक्षा का सेंटर देखने जा रहे हाई स्कूल के छात्र की ये मौत हो गई है। तेज रफ्तार DCM ने बाइक सवार छात्र को रौंद दिया, और इस दौरान छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काशगंज में सरसों के खेत में एक 5 वर्षीय मासूम का कंकाल मिला है, और बता दें आपको कि करीब 20 दिन के से मासूम लापता बताई जा रही है, और मौके पर पहुंची यहां पर टीम ने, और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने मासूम के कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं ये पूरा मामला बता दें आपको सुहाहार थाना क्षेत्र के गांव रोशन नगर का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ काशगंज से हमारे सहयोगी जुम्मल कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुरैशी, जिस तरह से मामला सामने आया, कंकाल मिला है मासूम का, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला काशगंज जनपद के सहावर थाना क्षेत्र के गांव रोशन नगर का है, जहां
से अब से करीब लगभग 20 दिन पूर्व एक 5 वर्षीय दिव्या नाम की मासूम बच्ची लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने सहावर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। लेकिन कल सरसों के खेत में दिव्या के शव का कंकाल पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड सीओ व एडिशनल एसपी हरि प्रज्वल के साथ पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। जी अर्जुमन, इस मामले में अभी तक कुछ खुलासा हो पाया है कि इस मासूम 5 वर्षीय मासूम बच्ची की जो शव मिला है, किस प्रकार से कोई आपसी रंजिश थी या फिर इसके साथ कोई वारदात की घटना को अंजाम दिया गया है, इस तरह का कोई मामला अभी तक खुलासा हो पाया है इस पर? जी आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर ग्रामीण आसपास के लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि मासूम बच्ची की हत्या क्यों की गई थी और क्या था मामला। इस मामले में अभी पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। जी जुम्मन, अब मृतक के परिजनों का क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है, न्याय की मांग कर रहे हैं? जी आपको बता दो, मृतक बच्ची के पिता नेत्रपाल से मीडिया ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची 19 जनवरी से लापता थी और मैंने इसकी शिकायत सहावर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच भी करी थी और जो सरसों के खेत में जो जो कंकाल पड़ा मिला है उसकी पहचान उसके कपड़ों से बताई जा रही है और पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। अभी तक कोई जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है कि ये क्यों मासूम बच्ची की हत्या की गई। जी जुम्मन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो काशगंज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सरसों के खेत में एक 5 वर्षीय मासूम का कंकाल मिला है। बता दें कि करीब 20 दिन से मासूम लापता बताई जा रही थी और मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम जाँच पड़ताल में जुटी थी और पुलिस ने मासूम के कंकाल को कब्जे में लेकर जाँच भी शुरू कर दी है। और ये पूरा मामला आपको बता दें कि सहावर थाना क्षेत्र के गाँव रोशन नगर का है, जहां पर इस मासूम बच्ची का शव सरसों के खेत में मिला है। फिलहाल आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उसके साथ ही परिजन लगातार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।